मॉम का तड़का में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए सबकी फेवरेट भरवा शिमला मिर्च की सब्जी, भरवा आलू शिमला मिर्च की सब्जी विद दिस लवली मॉम एंड द फाउंडर ऑफ जायका का तड़का। जायका का तड़का में आप सभी का स्वागत है। तो करें मॉम स्टार्ट हम। सो ये देखिए, हम आज बना रहे हैं भरवा शिमला मिर्च, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है, वेजिटेबल ऑयल। हींग डाल रहे हैं 1 पिंच, क्यूमिन सीड्स जीरा आधी चम्मच, ये ग्रीन चिली 1 से 2 जो भी साइज बारीक चौकी है, ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको ग्रेट कर लिया है। और इसको कर लिया, ये बिग साइज का अनियन लिया है, उसको फाइनली चॉप कर लिया मैंने, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। आप अनियन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, आप खाली आलू का मसाला भी बनाकर स्टफ कर सकते हैं इसमें। अब ये थोड़ी सी पिंकी होने तक हम करेंगे इसको, और ये हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं, मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें ये दो मैंने मीडियम साइज के आलू लिए, उनको बॉईल किया है और पील करके इसको मैश कर लिया है। अच्छे से मैश करके वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें स्पाइसेस डाल दूंगी मैं, सॉल्ट डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये भी आप टेस्ट के अनुसार डालिए, ये जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये मैंगो पाउडर है 1/2 टीस्पून, और ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, और ये थोड़ी सी धनिया पत्ती है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तुम्हारा मसाले को सेकते क्यों है? मसाले को सेकते, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है और शिमला मिर्च खराब भी नहीं होगी जल्दी। अच्छा, ये 4 से 5 दिन चलेगी अब। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं। हम कोई रीटेक नहीं करते, रीशूट नहीं करते, जैसा है वैसी ही आपकी भी किचन में बनेगा, ये हमारी गारंटी है। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है, हम मैं इसको प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा मसाला और हम स्टफ कर लेंगे शिमला मिर्च में। सो ये ठंडा होने पे हम इसको स्टफिंग करेंगे। ये मैंने कैप्सिकम, इधर ये बिग साइज की कैप्सिकम आती है तो उसके एक में से दो पीस कर लीजिए, इसके सीड्स रिमूव कर दिए, क्यों बड़ी फिर खाने में थोड़ी सी कन्वीनियंट नहीं रहती है, इसलिए मैंने 2 पीस कर लिए। अब हम इसमें मसाला स्टफ करेंगे आलू का, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और गर्मा गर्म चपाती के संग तो मजा आ जाता है इसको खाने में। बस ये अच्छे से प्रेस करके और दबा करके मसाला, ताकि अपना बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए अब हमने सारी शिमला मिर्च में मसाला भर लिया है, अब ये हम गैस ऑन कर दिया है, इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डाल रहे हैं, अब ये एक एक करके हम कैप्सिकम रख देंगे इसमें। देखिए कितनी आसान है सब्जी बनाना, बॉइल्ड पोटैटो के संग बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है, कितनी कलरफुल भी लग रही है, मसालेदार। मॉम ये कौन से फ्लेम पे हमें सेकना है? ये मीडियम फ्लेम पर पलटती रहूँगी ताकि चारों तरफ से प्रॉपरली कुक हो जाएगी। इसको कवर कर देती हूँ मैं। देखिए अब हम चेक कर रहे हैं 1 मिनट के बाद, अब हम इसको पलट देंगे। तो अब ये दूसरी साइड से सिकेगा, साइड से कुक हो जाएगी। देखिए अब 1 मिनट हो गया है, अब इसको फिर हम पलट देते हैं इधर।
वन बाय वन ध्यान से पलटिएगा, गरम गरम होती है शिमला मिर्च। कवर कर देंगे ताकि जल्दी कुक हो जाए। देखिए देखिए, इसको पलट कर हमने वापस से एक मिनट के लिए ढक के रखा था ताकि ये थोड़ी और क्रंची और सिक जाए। आपको जितनी भी क्रंची है उस हिसाब से आप कुक करिए। आपको ज़्यादा गली में पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा कुक कर लीजिए आप इसको, और थोड़ी क्रंची चाहिए तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। और ये सब स्लो फ्लेम पे ही करेंगे, राइट? हाँ, ये स्लो फ्लेम पर आएगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। हम क्रंची इसको रखेंगे, पर अगर आपको और सेकना है तो आप सेक सकते हैं। मुंह में पानी आ रहा है, कितना बढ़िया कलर आया है मोम इसका। बहुत बढ़िया आया है कलर, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, सीरियसली। हाँ हाँ, वाह। ये देखिए रेडी हो गई है, रेडी हो गई है मोम का तड़का में, जहाँ हम रोजमर्रा की सब्जियों को आपको एक तड़का लगा के नए अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। विद दिस लवली मॉम एंड फाउंडर ऑफ जायका का तड़का, गर्मा गर्म शिमला मिर्च, भरवा शिमला मिर्च या स्टफ शिमला मिर्च इज रेडी। खाएंगे एक बार, बार बार खाते रहेंगे, ये गारंटी हमारी। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं दोबारा। बाय बाय।